मैं बना रही हूँ एक अलग तरह का पराठा, तो इसका क्या नाम है अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप मैदा और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो मैदे के ये बनते हैं, गेहूं के आटे के आप बना सकते हैं, लेकिन जो इसमें लच्छे आते हैं वो मैदे से ज़्यादा अच्छे बनेंगे। कभी कभार तो मैदे के पराठे भी खाए ही जा सकते हैं, वंस इन अ वाइल चलता है। तो पानी डालकर इसका हम एक थोड़ा सा टाइट आटा गून लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लेकिन बहुत लूज़ नहीं होना चाहिए, तो मीडियम सॉफ्ट हम कह सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर मैंने इसे गून लिया है। अब इस डो को आराम करने के लिए रखेंगे, तो 15 मिनट या फिर आधा घंटा आप इसे रहने दें, आराम करने दें, और उसके बाद इसे थोड़ा सा तेल डालकर फिर से गूंद लें। जब आप दोबारा से इसे गूंदेंगे तो आटा एकदम सॉफ्ट एंड स्मूद आपको लगेगा। तो थोड़ा सा इसे गूंद लें, एकदम स्मूद एंड सॉफ्ट हो जाएगा, और इसके बाद हमें इसकी लोइयां तोड़नी है। हम जो ये पराठा बना रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बेसिक चीज़ें ही हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो इसे हल्का सा मैं गूंद रही हूँ। ये देखिए, अब जो मैदा है काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूद आपको दिख रहा होगा, एकदम चिकना। अब इसकी लोइयां मैं कट कर रही हूँ, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की ही लोइयां मैं कट कर रही हूँ, देखिए इतना। तो इसमें आप 7 से 8 इस तरह के पराठे बना सकते हैं, साइज़ पर भी डिपेंड करता है। तो इतने साइज़ के बनाएंगे तो 7 से 8 बन जाएंगे। अब हमें इसे अच्छे से बेलना है, तो सूखा मैदा लेकर इसे जितना पतला हो सके उतना हमें बेलना है। ये सर्कल ही बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसे ओवल में आप बेलें ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि जो हम इसे बाद में कट करने वाले हैं और फोल्ड करने वाले हैं तो गोल से ज़्यादा ओवल अच्छा रहेगा। पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे एकदम पतला बेलना है। तो बीच बीच में सूखा मैदा लगाते रहें और इसे बेलते रहें। मैदा जब हम बेलते हैं ये वापस से थोड़ा थोड़ा छोटा होने लगता है, इसलिए इसे रेस्ट के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से ज़्यादा नहीं इस तरह से स्ट्रेच होके छोटा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये होता ही है, तो आपको इस तरह से बेलना पड़ेगा कि वापस से ये बड़ा हो जाए। तो इसे मैं एकदम पलट पलट के और टेढ़ा मेढ़ा करके बेल रही हूँ ताकि सब तरफ से ये पतला बेला जाए। पूरी तरह से बेलने के बाद इस पर हम लगाएंगे तेल। तेल लगाने के लिए आप एक सिलिकॉन ब्रश का यूज़ करें ताकि एक अच्छी पतली लेयर आप तेल की लगा सके और हाथ भी बार बार गंदे ना हो। अब एक पिज्ज़ा कटर या फिर चाकू से इस तरह से आप इसमें कट्स लगा लें। तो पास पास ही कट लगा रही हूँ मैं, छोटी छोटी पट्टियाँ इसमें से बन जाएंगी। ये जो पट्टियाँ हैं इनसे पूरे पराठे में बहुत अच्छे लच्छे बन जाएंगे। अब एक साइड से इसे उठाएं और पूरा इकट्ठा करके ऐसे लंबे में इसे इकट्ठा कर लें। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। हल्का सा इसे हमें ज़्यादा दबाए बिना स्ट्रेच करना है, प्रेस नहीं करना है ज़्यादा, हल्का हल्का प्रेस करना है और स्ट्रेच करना है, और बाद में इसे हमें रोल करना है। देखिए हाथ पर ऐसे रोल करेंगे और जो लास्ट का हिस्सा है उसे बीच में ले आएंगे। अब इसके बाद हमें इसे ज़्यादा बेलना नहीं है, हाथ से ही थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, मोटा मोटा ही रखेंगे ताकि जो अंदर की लेयर्स है पूरी खुल जाए। आप चाहें तो बेल भी सकते हैं, लेकिन मैं आज बेल कर इसे नहीं बना रही हूँ, हल्का सा फ्लैट करेंगे। बस ये सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है बाकी की लोइयों के लिए भी। तो अगर आपको ये इकट्ठा ज़्यादा बनानी है तो सेकने से पहले आप सारी लोइयों से ऐसे पराठे बना कर रख दें और बाद में इन्हें इकट्ठा एक के बाद एक सेकें ताकि गर्मा गर्म ये रेडी हो जाए। इसे बनाने में काफ़ी मज़ा भी मुझे आ रहा है। एक तो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये राहिन्ने को पसंद है, तो राहिन्ने को जो चीज़ें पसंद होती है वो बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उसके बाद उसके चेहरे पर जो खुशी होती है वो बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको ये पराठा किसी चीज़ के साथ खाना हो तो आप किसके साथ इसे खाना पसंद करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे अब फ्राई करने के लिए, फ्राई ही कहूँगी क्योंकि नॉर्मल पराठे से थोड़ा ज़्यादा तेल इसमें डलता है, तो शैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ये पैन जैसा तवा लिया है जिसके साइड्स उठे हुए हैं। आप कोई दूसरा तवा भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा तवा हो तो एक साथ 2 या 3 भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पर इसे मैंने फ्राई किया है ताकि जो मैदा है ये कच्चा ना रहे,
लो फ्लेम पर फ्राई करें, हल्का सा प्रेस करें ताकि इवन ब्राउनिंग भी हो और मैदा पूरी तरह से पक जाए। तो इसे हल्का सा प्रेस कर करके मैं इसे घुमा रही हूँ। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बहुत ही सुंदर ये पराठा लग रहा है, उतना ही टेस्टी है। तो उस पराठे पर हम वापस आएंगे, पर तब तक मैं दूसरा वाला पराठा डाल रही हूँ तवे पर। अभी जो गर्मा गर्म पराठा, इसे हल्के से साइड से ऐसे प्रेस करें, थोड़ा सा प्रेशर लगाएं ताकि जो लेयर्स हैं वो खुल जाएं। गर्मा गर्म पराठा है तो थोड़ा सा चटका आपको लग सकता है, और साथ साथ दूसरा पराठा भी यहाँ पर मैं सेक रही हूँ। इन पराठों में ये बहुत ज़रूरी है कि ये पराठे अच्छे से सिके, कच्चे ना रहें, तो इसलिए एकदम तेज आंच पर इन्हें ना बनाएं। लास्ट लास्ट में आप आंच तेज कर सकते हैं जब आपको थोड़ी सी ब्राउनिंग चाहिए हो। तो ये देखिए, ऐसे आपको इन्हें तोड़ना है ताकि सारे जो लच्छे हैं ये अलग हो जाए। तो यहाँ पर चार मैंने बना दिए हैं, लगभग 3 से 4 और बन जाएंगे, इतना मैदा पड़ा हुआ है। तो टोटल 3 कप में आप इतने बना सकते हैं। मुझे लगता है किसी भी बढ़िया ग्रेवी के साथ या गर्मा गर्म चाय के साथ ये कमाल के लगेंगे। राही ने भी ये बड़े मज़े से खा रहा है। अगर कभी कभार ही देना है तो फिर घर का क्यों ना दें, है ना? तो घर पर बनाएं, बच्चों को खिलाएं, फैमिली के साथ शेयर करें, आपको भी काफ़ी अच्छा फील होगा।